नमस्कार, मैं शिल्पी त्रिपाठी एबीपीएस के खास कार्यक्रम विधायक जी चले गांव की ओर में आपका स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे गांव की उन समस्याओं के बारे में जिससे गांव के लोग जूझ रहे हैं और जिसका निराकरण कैसे हो सकता है अगर विधायक जी इस बात को विधानसभा तक लेकर जाएंगे। आइए बात करते हैं गाजीपुर से भाजपा विधायक अलका राय जी से। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। जी, मेरा क्षेत्र है गाजीपुर जिला, मोहम्मदाबाद क्षेत्र पड़ता है और 378 विधानसभा, मैं वहीं से विधायक हूँ। मैं उस अपराधियों के खिलाफ चुनाव लड़ी थी और लड़ करके मैं जीत करके यहाँ आई हूँ और वहाँ के क्षेत्रवासियों ने मुझे पूरा सहयोग और साथ दिया है। जिस तरह वह 35 वर्ष से अपराधी वहाँ पर राज करते थे और वहाँ की जनता ने जिस तरह नकारी उन लोगों को, आज जनता के पूरा सहयोग और साथ हमको मिला है, तभी मैं जीत कर विधानसभा में आई हूँ। और रहा विकास की बात, जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने क्षेत्र देश के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए, हम लोग जो भी काम क्षेत्र के प्रति था, हम लोग अपने क्षेत्र का काम कराते हैं, जो भी सहयोग और साथ रहता है, तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री हम लोगों का बहुत सहयोग और साथ देते हैं। बहुत बहुत मैंने साथ है कि मैंने आप लोग इस पर हमारे गाँव के संबंधी जो भी समस्या है उसके लिए आप लोग हमसे क्वेश्चन करने आए हैं। हम लोगों की जब सरकार बनी है, इससे पूर्वत की जो सरकार रही है, गांव की जो दशा थी, वो दशा में काफ़ी सुधार आ गया है, गांव में काफ़ी विकास का कार्य हो रहा है। विधायक जी, ये बताइए कि ग्राम पंचायत आपकी नज़र में क्या मायने रखती है? ग्राम पंचायत गांव के काफ़ी लोगों को, जिस तरह सरकार मैंने सबका साथ सबका विकास, जो झोपड़ी में रहने वाले हैं, टूटे फूटे मकान में रहने वाले जो गरीब लोग के तबके के लोग हैं, उस पर खास करके हमारी सरकार ने ध्यान देती है कि कैसे उस गरीबों को मकान हो जाए, आवास मिल जाए, उनको नौकरी मिल जाए, उस तरह की हमारी सरकार गांव के लोगों की सहयोग और साथ, खास करके किसान और गरीब के लोगों के लिए भी हमारी सरकार समर्पित है। विधायक जी, जो आपने आवास की बात कही, जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही थी, बहुत जगह लिखा देखा गया है कि इससे ग्राम प्रधान का कोई लेना देना नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले की सरकार में जो प्रधान है, वो लोग हम लोगों की बात को नहीं सुनते हैं, लेकिन हम लोग अपने माध्यम से उस गाँव को हमारे कार्यकर्ता हमारे लोग जा करके उस हर गाँव के गरीबों के घर जा करके पता करते हैं कि किसका आवास नहीं है और उसको आवास को हम लोग चयनित करते हैं, उसको काम हम लोग काम कराते हैं। जी, आपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या विकास किए हैं? अपने विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों के क्षेत्र में रोड तो नहीं थी, लेकिन मैं रोड अपने क्षेत्र के रोड का काम, गांव के सभी आवास और शौचालय, ये सब विकास का काम जो अभी हमारे प्रधानमंत्री और योगी जी के द्वारा आ रहा है, मैं सभी विकास का काम अपने क्षेत्र में कराती हूँ। देखिए, जहाँ तक शिक्षा की बात करें, तो आज़ादी के 70 साल बाद भी आज भी जो गांव के स्कूल हैं उसमें बच्चे जो हैं वो जमीन में बैठकर ही पढ़ाई करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र में नहीं है, मैं अपने क्षेत्र में जाकर के हर स्कूल का सर्वे करती हूँ और देखी और वहाँ पर हर मास्टर और टीचर से मैंने बोल करके अध्यापकों से कि मैं जो हमारे योगी जी सरकार द्वारा बच्चों के लिए ड्रेस वितरण हुआ है, वो ड्रेस वितरण भी मैं कराई, बच्चों को बैठने के लिए जो सुविधा चाहिए वो सुविधा मैं उपलब्ध कराई। जहाँ तक बच्चों को ड्रेस वितरण की बात है, तो लेकिन जो गांव के स्कूल है उसमें टीचर नहीं है, इसका क्या कारण है? हाँ, टीचर नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि नहीं टीचर वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पहुँचे और पढ़ाई लिखाई गाँव में हो। और काफ़ी ध्यान दिया गया है कि जो गाँव हम लोगों के जो मोहम्मदाबाद क्षेत्र है हमारा और हमारे जो जितने ब्लॉक हैं उसमें मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार 5-5 गांव जो आदेश किया गया है कि वहां पर इंग्लिश मीडियम पढ़ाई किया जाए, वो सब व्यवस्था हो रही है, हमारी सरकार कर रही है। जो इंग्लिश मीडियम की जो बात करें, तो जो मतलब जो गांव में स्कूल होते हैं उसमें बहुत सारे टीचर नहीं होते हैं, लेकिन और जो अन्य प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं वो भी नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो बच्चों में टैलेंट होता है, लेकिन इसके गरीबी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो इसमें सरकार क्या करे, कोई योजना इसके लिए चला रही है? हम सरकार पूरा ध्यान दे रही है और हमको लग रहा है कि आने वाला समय में अच्छी सी पढ़ाई होगी, टीचर भी हो जाएंगे और वहाँ की व्यवस्था भी दुरुस्त हो जाएंगी, बच्चे हर गरीब घर के बच्चे भी
उस स्कूल में पढ़ने जाएंगे और सुविधा मिलेगी जो इंग्लिश मीडियम का स्कूल का जो प्रक्रिया है उस तरह हमको लगता है कि प्राइमरी स्कूल की भी हो जाएगी या गरीब के भी बच्चे उसी हिसाब से पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर विधायक जी रोजगार की बात करें तो सरकार बनने के टाइम पे बीजेपी सरकार ने कहा था कि हर जो युवा होगा उसको नौकरी दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा, लेकिन इस समय वास्तविकता क्या है, इसमें रोजगार कहीं पर भी नहीं है, इसका क्या कारण? ऐसी बात नहीं है, हमारी मोदी सरकार ने अब क्या कर, हम लोग गाजीपुर जिला में रोजगार मेला करके वहाँ पर है काफ़ी लोगों को नौकरी की व्यवस्था, और आने वाला समय में जिस तरह भर्तियाँ निकलेगी, जिस तरह बच्चों को नौजवानों को नौकरी मिलेगी, हम लोगों की सरकार पूरा प्रयास में लगी है कि नहीं हम लोगों के हमारे देश के बच्चे आगे बढ़ें और उनको नौकरी और शिक्षा मिले। हमारी ग्रामीण जनता के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? ग्रामीण जनता के लिए मैं संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग क्या सहयोग और साथ से जो हम लोग चुनाव जीते हैं, जिस तरह हमारी पार्टी काम कर रही है, आने वाला समय में आप लोगों का सहयोग और साथ रहेगा तो हम लोग आगे इसका और विकास का काम हो सकता है अपने क्षेत्र का और पूरे देश का। आपके हिसाब से गाँव में ऐसी क्या 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 चीज़ें होनी चाहिए जिससे आम आदमी जो है वो खुशहाल रह सके? गांव के लोगों के लिए बिजली चाहिए, पानी चाहिए, बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था माने डॉक्टर स्वास्थ्य चाहिए, तो सबसे हमारी सरकार पूरी मदद कर रही है गांव के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, किसानों के लिए। जो आपने बताया कि गांव की व्यवस्था जो विकास के लिए स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, ये सब क्या मतलब सरकार कर रही है, ये सब या देख रही है? हाँ, सरकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। तो ये तो थी गाजीपुर से अलका राज जी विधायक, जिन्होंने हमारे सवालों के जवाब बहुत ही सही से दिए हैं। आगे भी हम अन्य जनप्रतिनिधियों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे, तब तक के लिए शिल्पी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।